गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की 18 तारीख की अपनी पहली बीएसटी की क्लास में आपका स्वागत है। देखो, कल अपना टॉपिक चल रहा था पूंजी बाजार वाला। उसमें अपन ने पूंजी बाजार का अर्थ, इसकी विशेषताएं, इसके प्रकार, इसके कार्य, कौन कौन से इसके भाग होते हैं, पूंजी बाजार को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार में अंतर आदि जितने भी टॉपिक थे उन सब का अध्ययन और रिवीजन कर लिया था। आज उसी क्रम को आगे रखते हुए अपन अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है शेयर बाजार और स्टॉक मार्केट। कि शेयर बाजार क्या होते हैं, किस तरह ये अपने कार्य को पूरा करते हैं, कौन कौन से शेयर बाजार वर्तमान समय में भारत में काम कर रहे हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, कितने प्रकार हैं, कौन कौन से इसके भाग होते हैं, उससे जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो आज इस टॉपिक शेयर बाजार के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। तो देखो कि शेयर बाजार किसी भी देश की जो औद्योगिक विकास है, कि उस देश में कितना औद्योगिक विकास हो रहा है, उसका प्रतीक माना जाता है। कि जितने ज्यादा औद्योगिक धंधे लगाए जाते हैं, कंपनियां स्थापित की जाती हैं, उन सब का कार्य, अंशों का, ऋण पत्रों का, पूर्वाधिकार अंशों का वितरण, क्रय विक्रय जिस माध्यम से किया जाता है, उस माध्यम को क्या कहा जाता है, शेयर बाजार कहा जाता है। कि शेयर बाजार के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी देश का जो कंपनियां है वहां के उनके अंशों और ऋण पत्रों के माध्यम से इसमें व्यवहार किए जाते हैं। और अभी अपन वर्तमान समय की बात करें तो इस समय भारत में कुल 24 शेयर बाजार हैं वो वर्तमान में यहाँ काम कर रहे हैं। यानी अपने से अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में शेयर बाजारों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 24 शेयर बाजार एट प्रेजेंट टाइम इंडिया में कार्य कर रहे हैं। अब देखो इसका सामान्य अर्थ क्या होता है, कि शेयर बाजार से आशय ऐसे बाजारों से हैं, कि शेयर बाजार से आशय ऐसे बाजारों से हैं जो कंपनी किसी भी प्रकार की हो, चाहे निजी कंपनी हो, सार्वजनिक कंपनी हो, सरकारी, अर्ध सरकारी, जितने भी तरह की कंपनियां हैं जो अपने अंशों का निर्गमन करती हैं। कि निजी कंपनी है अपने अंशों का निर्गमन नहीं करती, क्योंकि अपनी पूंजी व्यवस्था वो क्या करती है, आपके खुद के साधन से वो अपनी पूंजी व्यवस्था करती है जनता के मध्य। एक निजी कंपनी क्या नहीं कर सकती, अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। यहाँ पे याद रखेंगे कि जो एक निजी कंपनी है वो क्या नहीं कर सकती, जनता के मध्य अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। केवल सरकारी कंपनी, अर्ध सरकारी कंपनी या जो लिमिटेड कंपनियां हैं वो ही क्या कर सकती है, जनता के मध्य अंशों का निर्गमन कर सकती है। तो शेयर बाजार क्या होते हैं, कि किसी भी कंपनी द्वारा जारी किए गए अंशों, ऋण पत्रों और बॉन्ड। बॉन्ड भी क्या होते हैं, एक तरह से प्रतिभूति के माध्यम माने जाते हैं, जिनके द्वारा एक कंपनी क्या करती है, जनता से पैसे उधार लेती है। तो उसे क्या कहा जाता है, बॉन्ड कहा जाता है। जिस माध्यम से एक कंपनी या एक व्यावसायिक संगठन क्या करता है, जनता से वित्त की पूर्ति को प्राप्त करता है, उन्हें बॉन्ड कहा जाता है। तो शेयर बाजार वो संगठित बाजार, यानी संगठित यानी जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, जिनमें एक निश्चित प्रक्रिया के तहत कार्य क्या किए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि शेयर बाजार वो बाजार होते हैं जिनमें अंशों, ऋण पत्रों और
बॉन्ड का क्रय विक्रय किया जाता है, यानी कोई भी ऐसा स्थान जहां पर कंपनी के अंश, ऋण पत्र और बॉन्ड खरीदे और बेचे जाते हैं, उसे ही हम क्या कह सकते हैं, शेयर बाजार कहे जाते हैं या कह सकते हैं। परिभाषाएं अपने पाठ्यक्रम में बुक में दी गई है, वो आपको लिखवाई गई है, आपको एज इट इज उनको याद करना है। कि इसमें पहली परिभाषा अपन ने लिखी थी प्रोफेसर पाइले के अनुसार कि शेयर बाजार वो जगह है, वो स्थान है जहां पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का विनियोग यानी क्रय विक्रय और सट्टे के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। अब विनियोग तो यानी अपन पैसा लगाए, अपने पास पूंजी है, उसको अपन ने इन्वेस्ट किया और अंश खरीद लिए। सट्टे से आशय है कि जिसमें वास्तविक रूप में प्रतिभूतियों का क्रय नहीं किया जाता, केवल उनके मूल्य में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के आधार पर ही क्या किया जाता है, इनके मूल्य में से वास्तविक मूल्य या जो भी मूल्य कम या वृद्धि से जो प्रॉफिट या जो हानि होती है केवल उसकी भरपाई करनी होती है, वास्तविक संपत्ति का इसमें भुगतान नहीं किया जाता। अब देखो परिभाषा हो गई, सामान्य अर्थ हो गया, अगला इसमें अपना टॉपिक आता है शेयर बाजार की विशेषताएं, कि एक जो शेयर बाजार है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो शेयर बाजार की विशेषताओं में सबसे पहली जो इसकी विशेषता है कि ये क्या होते हैं, संगठित होते हैं, संगठित बाजार होते हैं। ये क्या होते हैं, संगठित बाजार। कि संगठित बाजार होने से आशय है कि एक शेयर बाजार में इनका एक निश्चित क्रम होता है, इनकी एक प्रबंध समिति होती है जिसमें सीईओ, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक आदि सभी व्यक्ति या सभी अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं, और ये व्यवहारों को एक निश्चित प्रक्रिया और एक निश्चित क्रम में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ये नहीं कि जैसे अपने मन चाहा इसमें कार्य कर ले जाते हैं, बल्कि इनमें एक निश्चित प्रक्रिया के तहत कार्यों को पूरा किया जाता है। संगठित यानी जिसमें एक निश्चित प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया को फॉलो यानी लागू करते हुए कार्यों को पूरा किया जाता है। दूसरा इसकी जो विशेषता आती है वो आती है विभिन्न संस्थाओं द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों में व्यवहार, कि जितनी भी कंपनियां हैं इनमें अपने को सामान्य रूप से सभी कंपनियों के क्या मिल जाते हैं, अंश और ऋण पत्र यदि अपन खरीदना चाहें तो आसानी से अपने को इनमें मिल जाते हैं। कि जितनी भी कंपनियां होती हैं जो सेबी के पास यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड होती है, उन सब के अपने को इनमें क्या मिल जाते हैं, अंश और ऋण पत्र और बॉन्ड आसानी से मिल जाते हैं। यानी भारत में इस समय मान लो जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं जो शेयर बाजार में रजिस्टर्ड है यानी जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनके अपने को प्रत्येक शेयर बाजार में चाहे वो देश के कोई से भी कोने में हो कि देश के किसी भी हिस्से में स्थित हो, उनमें क्या हो सकते हैं, आसानी से ये अपने को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा अगली जो इसकी विशेषता आती है वो होती है इसमें क्या होते हैं, अधिकृत सदस्य होते हैं। यानी इसके जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, अथोराइज्ड पर्सन होते हैं, यानी उनके पास क्या होता है, अपना पहचान चिन्ह होती है, अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, और उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, अंशों का क्रय विक्रय एक निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करते हुए किया जाता है। चौथा, नियमों की पालना करना अनिवार्य होता है, कि इसमें जो नियम और नीतियां बनी गई होती है उन नियम नीतियों को क्या करना होता है, एज इट इज इसके जो सदस्य हैं उनको फॉलो करना होता है। यानी अपनी तरफ से चाहे सदस्य अधिकृत ही क्यों ना हो इनमें क्या नहीं कर सकते,
बदलाव नहीं कर सकते, यानी उनको उन नियमों को मानना ही पड़ता है जो इन बाजारों के लिए इनके प्रबंधकों द्वारा या सरकार द्वारा नीतियां बनाई जाती है, उन नियमों को इनको पूरा करना होता है। उन नियम और नीतियों को छोड़कर ये क्या नहीं कर सकते, अपने कार्यों को पूरा नहीं कर सकते। उसके बाद में देखो विशेषता के बाद इसमें अगला टॉपिक आता है शेयर बाजार के कार्य, फंक्शंस ऑफ शेयर मार्केट या फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट, कि शेयर बाजार के कौन कौन से कार्य होते हैं जो एक शेयर बाजार में किए जाते हैं, कि उन कार्यों को अपने को क्या होता है करना अनिवार्य होता है, कि उन कार्यों को पूरा करने के लिए इन शेयर बाजारों की क्या की गई होती है, स्थापना की गई होती है। पहला प्रतिभूतियों के विपणन यानी विक्रय में क्या करना, सहायता, प्रतिभूतियों के विपणन और उनमें तरलता पैदा करना, यानी प्रतिभूतियों का विपणन यानी उनको खरीदना और बेचना। दूसरा उनमें तरलता, यानी जब चाहें हम अंश खरीद सकते हैं, जब तक मन किया अपने पास रखा, यदि अपने को पैसे की आवश्यकता है और ये चाहते हैं कि हम अंशों को अपने पास आगे कंटिन्यू नहीं करें कि इनको अपने को बेचना है, तो इन्हीं शेयर माध्यम या स्टॉक बाजार है उनमें हम क्या कर सकते हैं, इन अंशों को आसानी से विक्रीत कर सकते हैं और अपना जो भी पैसा अपन ने इन अंशों को खरीदने में लगाया है उसको क्या कर सकते हैं, वापस कैश करवा सकते हैं। तो ये अपने को एक सुविधा प्रदान करता है कि जब चाहें हम क्या करें, अपने अंशों को खरीदें और बेचें, या जब चाहें हम उनको बेच दें और अपना जो पैसा है उसको प्राप्त कर लें। दूसरा ये क्या करता है, उनकी मांग के आधार पर मूल्य निर्धारित करता है। यानी जितने भी कंपनियों के शेयर बाजार में अंश खरीदे और बेचे जाते हैं उनका ये क्या करते हैं, मूल्य निर्धारित करते हैं। किस आधार पे करते हैं, उनकी मांग के आधार पर। यानी मान लो किसी कंपनी लगातार कई वर्षों से प्रॉफिट में चल रही है, कि लगातार उसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो बाजार में उसके अंशों की मांग भी क्या होगी, बढ़ेगी। लोग ऐसी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, उसमें पैसा लगाना चाहते हैं जिसमें लगातार ज्यादा प्रॉफिट होता रहता है। तो इसके लिए शेयर बाजार क्या करता है, उनके अंशों का मूल्य बढ़ा देता है। जिस कंपनी के अंश नहीं बिक पा रहे उनके मूल्यों में ये क्या करता है, कटौती करता है, यानी मूल्य को कम करता है, जिससे इनकी मांग और पूर्ति के मध्य एक समन्वय या एक आपसी तालमेल, एक जो बैलेंस की स्थिति है वो बनी रहती है। तो ये क्या करते हैं, जितने भी अंश और ऋण पत्र हैं बाजार में उनके मूल्य के निर्धारण में भी क्या करते हैं, अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तीसरा सुरक्षा, तो इनमें अपन ने इस विशेषता में पहले पढ़ा है कि इनमें क्या होते हैं, अधिकृत सदस्य होते हैं, यानी इसके जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अथोराइज्ड और रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, जिनके माध्यम से क्या कहा जाता है, एक शेयर बाजार में अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है। अब अधिकृत सदस्य होने के नाते इनमें जो भी सूचनाएं दी जाती है या जो भी सूचनाएं इनके माध्यम से प्राप्त की जाती है वो क्या होती है, एज इट इज
गोपनीय बनी रहती है, यानी अपने को उनको सोचने की आवश्यकता नहीं होती कि जो अपन सूचनाएं दे रहे हैं कहीं उनका मिसयूज न हो। तो इनमें व्यवहार है वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, सुरक्षित बने रहते हैं। अगला है आर्थिक विकास में योगदान, ये क्या कहते हैं, लगातार कंपनियों के अंश, ऋण पत्र और बॉन्ड खरीदते और बेचते रहते हैं। तो शेयर बाजार में इनकी पूंजी की तरलता बनी रहती है कि जब चाहे ये अपनी पैसे की, एक निवेशक है पैसे की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, यानी अंश खरीदे, पैसा है तो अंश खरीद लेगा, यदि पैसे की आवश्यकता है तो जो पहले से अंश खरीदे गए हैं उन अंशों को बेच के ये क्या कर सकता है, अपनी वित्त की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा कर सकता है। इस प्रकार इनके पास जो भी पूंजी आती है उस पूंजी को ये क्या करते हैं, पुनः निवेश कर देते हैं। अब एक पूंजी जब वापस किसी निवेश या किसी उत्पादक कार्य में जब वो पूंजी लगाई जाती है तो उससे क्या होता है, देश में पूंजी निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा मिलता है। कि एक इंग्लिश में कहावत है, मनी मेक्स मनी, की पूंजी से ही पूंजी बनाई जाती है। जब इनके पास पैसे पहले से हैं तो उस पैसे को ये क्या करेंगे, वापस निवेश करेंगे और उससे पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। देश में नए नए उद्योगों की स्थापना की जाएगी और जब देश में नए उद्योगों की स्थापना होती है तो उससे देश का जो आर्थिक विकास है वो तेज होता है, यानी देश के आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होती है। पांचवा इसका कार्य है समता संस्कृति का फैलाव, यानी जो सांस्कृतिक दूरियां हैं उनको इसमें क्या किया जाता है, कम किया जाता है। अब सम संस्कृति का मतलब कि ये क्या करते हैं, पूरे देश में एक साथ काम करते हैं, यानी किसी भी देश या राज्य में काम करते हुए इनमें क्या किया जा सकता है, आसानी से सूचनाएं एक राज्य से दूसरे राज्य तक भेजी जाती हैं। किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी अन्य राज्य की कंपनी के अंशों में निवेश कर सकता है, उस देश के उस राज्य के नागरिकों को अपने अंशों का विक्रय कर सकता है। किसी भी जो कंपनी है उसमें अपन क्या कर सकते हैं, घर बैठे ही निवेश कर सकते हैं। अपने को इनमें ये सोचना नहीं पड़ता कि हरियाणा की है या दिल्ली की है या चंडीगढ़ की है, शिमला है, कि वहां की कंपनी है तो अपन किस माध्यम से उनमें अंश लगाएं या अपनी जो पूंजी है वो उनमें निवेश करें। कि ये क्या करते हैं, अपने को एक वातावरण या एक माहौल या एक मंच उपलब्ध करवाते हैं जहां पर हम क्या कर सकते हैं, अपने जो पूंजी निवेश है उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, अंशों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। किस माध्यम से, शेयर बाजार के माध्यम से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अंशों और ऋण पत्रों का क्रय विक्रय इनके माध्यम से एक ही मंच के द्वारा कर सकते हैं। अगला है इसका जो फंक्शन वो है सट्टे की सुविधा उपलब्ध करवाना। सट्टे की सुविधा उपलब्ध करवाना, और इसमें अपन ने पहले पढ़ा था कि सट्टे के इसमें क्या किए जाते हैं, व्यवहार किए जाते हैं जिनमें वास्तविक रूप से अंशों का क्रय विक्रय नहीं किया जाता, केवल उनके मूल्य में जो बदलाव हुआ है उस बदलाव के आधार पर ही क्या किया जाता है, अपन ये निर्धारित करते हैं कि अपने को उनसे प्रॉफिट है तो अपन उस प्रॉफिट का मार्जिन ले सकते हैं, या उसमें अपन लॉस हो रहा है तो लॉस होने या हानि होने से पहले ही अपन उन अंशों को क्या कर सकते हैं, निपटा सकते हैं, उनको बेच सकते हैं। इनमें अपने को ज्यादा वास्तविक जो प्रतिभूतियां हैं या अंश हैं, ऋण पत्र हैं, बॉन्ड हैं, उनका क्रय नहीं करना होता। तो इस तरह से इसकी छह कार्य अपने पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। पहला, प्रतिभूतियों
प्रतिभूतियों का विपणन करना यानी क्रय विक्रय करना और उनमें तरलता उत्पन्न करना, दूसरा उनका मूल्य निर्धारित करना कि उनकी मांग और पूर्ति के आधार पर क्या करना, उनका मूल्य निर्धारित करना, तीसरा उनमें व्यवहारों की क्या करना, सुरक्षा बनाए रखना कि जिससे अपन ये पता कर सके कि अपने द्वारा जो भी सूचनाएं दी गई है उन सूचनाओं के अनुसार अपन क्या करें, इस पे व्यवहार कर सके। पूंजी निर्माण को ये बढ़ावा देते हैं जिससे देश में आर्थिक जो विकास है उसको बढ़ोतरी मिलती है। पांचवा, इनके द्वारा समता संस्कृति यानी आपसी जो एक राज्य से दूसरे राज्य की संस्कृति है, जो माहौल है, जो अंतर है, उस अंतर को पूरा किया जाता है। और अंतिम इसका कार्य है सट्टे की सुविधा उपलब्ध करवाना कि इनके माध्यम से अपने को क्या मिलती है, सट्टे की सुविधा मिलती है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने अंशों और ऋण पत्रों का क्या कर सकते हैं, जो मूल्य का अंतर है उस अंतर के आधार पर इनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला जो अपना टॉपिक आता है आज का वो है भारत के शेयर बाजार कि एट प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने शेयर बाजार है वो काम कर रहे हैं। तो अपन ने पहले बताया था कि वर्तमान समय में भारत में 24 शेयर बाजार काम कर रहे हैं जिनमें से सबसे पहला जो शेयर बाजार है वो है NSEI, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। दूसरे नंबर पर आता है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तीसरे नंबर पर आता है OPCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया नामक संगठन है, वो तीसरे पे आता है। उसके बाद में चौथे नंबर पे है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज CSE, जो है वो फोर्थ नंबर पे आता है। उसके बाद में चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज, बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, इंदौर स्टॉक एक्सचेंज, बड़ौदा स्टॉक एक्सचेंज, भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज, कोचिंग स्टॉक एक्सचेंज, कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज, गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज, जयपुर अपना जो राजस्थान है उसमें का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो जयपुर में स्थित है और उसका नाम है जयपुर स्टॉक एक्सचेंज के नाम से उस बाजार को जाना जाता है। उसके बाद में अगला है कानपुर स्टॉक एक्सचेंज, लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज, मैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, मेरठ स्टॉक एक्सचेंज है, पटना स्टॉक एक्सचेंज है, पुणे में स्टॉक एक्सचेंज है, राजकोट का स्टॉक एक्सचेंज है, और अंतिम जो 24वें नंबर पे है वो है कैपिटल स्टॉक एक्सचेंज केरला। इस तरह से भारत में वर्तमान में 4 स्टॉक एक्सचेंज 24 स्टॉक मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं जिनका नाम अपनी पाठ्यक्रम की जो पुस्तक है उसमें दिया गया है। वहां से अपन क्या कर सकते हैं, इन नामों का अध्ययन कर सकते हैं, नाम याद रख सकते हैं और मोस्टली अपने को 4 नाम ही याद रखने हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, OTCEI, BSE, और इनसे भी पहले अपने को एक अलग संगठन के बारे में पढ़ना है जिसका नाम अपना सबका सुना हुआ है, सब उसके बारे में अधिकतर अपना नाम सुना हुआ है, उसको कहते क्या है, सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नामक जो संगठन है वो सेबी के नाम से जाना जाता है। और
इसकी भारत में स्थापना कब की गई? 1992 में जो भारतीय सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना की गई। 1992 में ये संगठन बनाया गया, स्टॉक यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के नाम से 1992 में क्या किया गया, इसको स्थापित किया गया। स्थापित इसको करने का जो अपना मेन उद्देश्य था कि किस पर्पज से इसकी स्थापना की गई, इसको बनाने के क्या उद्देश्य थे, वो इसको बनाने का पहला जो उद्देश्य है वो था शेयर बाजार का नियमन करना, यानी शेयर बाजारों पर क्या रखना, नियंत्रण कंट्रोलिंग रखना। इसका पहला उद्देश्य था कि जितने भी भारत में शेयर बाजार काम कर रहे हैं उन सब के लिए ये क्या करता है, नियम बनाता है, नीतियां बनाता है और उनकी निगरानी करता है। अपन कह सकते हैं कि जैसे बैंकों के लिए कौन सा बैंक बनाया गया है, आरबीआई, जो सभी बैंक के लिए क्या करता है, नियम बनाता है, नीतियां बनाता है और उन नीतियों को लागू करवाता है। उसी तरह भारत के जितने भी शेयर बाजार हैं उन सभी शेयर बाजारों के नियमन यानी उनकी कंट्रोलिंग कौन सा संगठन करता है, सेबी नाम का संगठन उनकी कंट्रोलिंग करता है, उनके लिए नियम बनाता है, उनको नीतियां देता है और ये बताता है कि आपको अपने कार्यों को किस प्रकार पूरा करना है। दूसरा, निवेशकों की सुरक्षा, कि जिन व्यक्तियों ने या जिन अंशधारकों ने, पूर्वाधिकार धारकों ने अपना पैसा अंशों के माध्यम से किसी भी कंपनी में लगा रखा है उनके हितों की क्या करना, रक्षा करना, कि कंपनियां उनको किसी भी प्रकार से क्या नहीं कर सकें, किसी भी प्रकार का धोखा न दे सकें। इसके लिए वो समय समय पर दिशा निर्देश निवेशकों के लिए जारी करता है कि उनको पता रहे कि उनको किस प्रकार और क्या कार्य करने हैं जिससे उनके जो हित हैं उनका जो प्रॉफिट है उनका शोषण न हो सके। तीसरा, आंतरिक ट्रेडिंग को रोकना। अब आंतरिक ट्रेडिंग का मतलब कि कई बार जो निवेशक है या शेयर बाजार के सदस्य हैं वो क्या करते हैं, अंशों की कीमत या रिपोर्टों की कीमत बढ़ने पर उनको आपस में ही क्रय विक्रय कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो निवेशक है उन तक वो लाभ नहीं पहुंच पाता, यानी वो अपने द्वारा ही क्या करते हैं, अंशों को खरीद लेते हैं, आपस में बेच लेते हैं, जब उनके कीमत बढ़ती है या कम होती है तो वो आपस में ही उसका निपटारा कर लेते हैं, बाहर के व्यक्तियों यानी जो बाहर के निवेशक हैं उन तक वो सूचना नहीं पहुंच पाती। अब जब सूचना ही नहीं पहुंच पाती तो उनको उस चीज का लाभ भी नहीं मिल पाता। अब लाभ पहुंचाने के लिए ही वो क्या करते हैं, उनके मध्य जो आंतरिक ट्रेडिंग यानी आपस में जो व्यवहार किए जाते हैं उन व्यवहारों को क्या करता है, रोकता है। और अगला है जो मध्यस्थ हैं, दलाल हैं, एजेंट हैं, उन पर भी ये निगरानी करता है कि वो भी क्या नहीं करें, किसी भी प्रकार की धोखेबाजी अपने निवेशकों के साथ न करें कि उनको किसी भी प्रकार की हानि हो। अगला है सेबी के कार्य फंक्शंस ऑफ सेबी, कि सेबी के कौन कौन से इसमें कार्य है वो सेबी नामक संगठन द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें देखो सेबी के जो कार्य हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो इसका भाग है वो है सुरक्षात्मक कार्य, यानी पहला वो कौन से करती है, सुरक्षात्मक कार्य करती है, यानी जिससे निवेशकों की सुरक्षा बनी रहे, उनको किसी भी प्रकार का धोखा या कोई उनके साथ गलत व्यवहार न हो। इसमें पहला हो गया अनुचित व्यवहारों को रोकना, दूसरा आंतरिक ट्रेडिंग को कम करना, निवेशकों को निवेश संबंधी शिक्षा प्रदान करना और चौथा जितने भी शेयर बाजार हैं उन सब के लिए क्या करना,
आवश्यक नीति और नियमों का निर्माण करना, यानी उनके लिए क्या बनाना, आचार संहिता का निर्माण करना, कि उनको वो नियम बना के देना, जिन नियमों में रहते हुए उनको क्या करना होता है, कार्यों को पूरा करना होता है। पहला हो गया सुरक्षात्मक, दूसरा इसमें आता है संचालन संबंधी कार्य, अब देखो संचालन संबंधी कार्यों में क्या होता है कि जो भी शेयर बाजार है उनके कार्यों को नियंत्रित रखना कि वो लगातार होते रहे, दलाल मध्यस्थ बैंक अभिगोपक ब्रोकर आदि की नियुक्ति करना, शेयर बाजारों का अंकेक्षण करना, और जितनी भी स्कीमें हैं जो शेयर बाजार को चलाई जाती हैं या उनके द्वारा चलाई जाती हैं उन स्कीमों की जानकारी किसको देना, निवेशकों को देना, इनके संचालन संबंधी कार्य में शामिल किए जाते हैं। तीसरा है विकास संबंधी कार्य, कि शेयर बाजार का विकास हो सके उसके लिए वो कौन कौन से कार्य करती हैं, तो उसमें भी पहला वही लिखना है अपने को कि दलालों एजेंटों बैंक अभिगोपक बीमा कंपनियां आदि की नियुक्ति करना, दूसरा जो भी शेयर बाजार चलाए गए हैं उनको मॉडर्न बनाना कि उनमें ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है वो किए जा सकें, और इससे जुड़े जितने भी पक्षकार हैं यानी शेयर बाजार से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों तक आवश्यक सूचनाएं समय पर पहुंच जाएं। इस तरह से जो शेयर बाजार में जो सेबी है वो क्या करती है, जितने भी शेयर बाजार है उनका नियंत्रण करती है, उनका नियमन करती है, मध्यस्थों की नियुक्ति करती है, एजेंट नियुक्त करती है, जिससे उनमें कार्य लगातार एज इट इज पूरे होते रहे। तो आज का अपना टॉपिक शेयर मार्केट अपन यहीं क्लोज करते हैं। इससे आगे जो अपनी क्लास आएगी उसमें अपन जो भी शेयर बाजार है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, OTCI है, इनके क्या कार्य है, किस रूप में ये अपने कार्यों को पूरा करते हैं, क्या इनको बनाने के उद्देश्य हैं, किस उद्देश्य के लिए इनकी स्थापना की गई है, उनका अध्ययन करेंगे। आज अपने देखा शेयर बाजार का अर्थ, उसकी विशेषताएं, शेयर बाजार में कौन कौन से कार्य है या किए जाते हैं, वो कार्य हो गए, इसकी विशेषताएं हो गई। एक अपना टॉपिक वो सेबी का हो गया कि सेबी में क्या होता है, किस लिए सेबी की स्थापना की गई, क्या सेबी के कार्य हैं, उन सब का अपने आज के क्लास में अध्ययन किया। आप इसे देखें अपनी बुक में जो नोट्स अपन ने कॉपी में लिखे हैं, उन नोट्स को समझें, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।